हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वंस अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विद अ न्यू टॉपिक, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द जनरल पॉइंट। बट रिमेंबर वन थिंग, इफ यू डोंट सी द लास्ट टू वीडियोस, सो यू हैव टू वॉच दीज वीडियोस फॉर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, बिकॉज देर इज अ सीक्वेंस इन द फिजिक्स। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट if you missed any one class you have to pay something, so don't miss and watch, continue. This is a subject of sequence, you know. So let me come to the point and come to the topic for today, the electric field of a dipole at the general point. We already discussed about the two situations of dipole, that is the one if the electric field on the axial line of dipole and the electric field on the equatorial line of dipole. So चलिए पहले थोड़ा सा rough introduction ले लेते हैं कि last two classes में हमने dipole के जो electric field find out किए थे वो क्या थे। So once again, minus q plus q AV. This is a dipole, the pair of two equal and opposite charges separated by a certain distance, that is the distance is 2a. And this is the center, and if we have a point P on the line joining the charges of dipole, then this line is called axial line of the dipole, and the electric field on this line is E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught 2 P upon R cube, where r is the distance of observation point where the electric field is required from the center of the dipole. This is the first situation, and the formula is this. This is the electric field on the axial line. Now, this is the normal bisector. This is the equatorial line of the dipole. Or if we have any point P on the equatorial line of dipole, then the electric field on this point is given by 1 upon 4 pi epsilon naught P upon R cube. Again, R is the distance of observation point from the center of dipole. So in two situations, axial line or the equatorial line, हम ये दो electric field पहले ही last two classes में calculate कर चुके हैं। अब हम calculate करने वाले हैं the electric field due to a dipole at a general point. General point का means a point in the surrounding of this dipole which is not on the axial line or not on the equatorial line. कोई भी ऐसा point जो dipole की surrounding में तो है, but ना ही उसकी इस axial line पे है और ना ही equatorial line पे है। Like यहाँ है, यहाँ है, या यहाँ है, या यहाँ है, ये कहीं भी है, तो ये general point है surrounded the dipole. इस general point पे electric field आज हमें find out करना है, तो देखते हैं कैसे होगा। तो फी ऑन द बोर्ड, ये हमने अज्यूम किया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसके दो चार्जेस एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, सेपरेशन बिटवीन देम ऑलरेडी हमें पता है 2a अज्यूम करते हैं या 2l अज्यूम करते हैं। दिस इज द सेंटर ऑफ डाइपोल O, एंड दिस इज द पॉइंट दिस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब ये पॉइंट हमें दिख रहा है ना तो ये एक्सियल लाइन पे है इक्वेटोरियल लाइन पे, यहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सो फॉर दिस, इफ दिस रेडियल लाइन ऑफ दिस पॉइंट मेक्स एन एंगल थीटा विद द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस डाइपोल, डाइपोल मोमेंट क्या होता है मैंने बताया था, द डाइपोल मोमेंट पी इक्वल्स टू क्यू इंटू टू ए, आइदर चार्ज ऑफ द डाइपोल इंटू द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ डाइपोल। सो दिस इज द डाइपोल मोमेंट, इट्स यूनिट इज कूलम मीटर, एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ डाइपोल, माइनस से प्लस की तरफ। तो इसका डाइपोल मोमेंट, इफ दिस डाइपोल इज एवी देन इट्स डाइपोल मोमेंट पी इज इन दिस डायरेक्शन। सो आगे कैलकुलेशन में अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम ना हो,
तो पी ही मैं डाइपोल मोमेंट अभी किया, पी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट को हम चेंज कर लेते हैं, पॉइंट को कोई दूसरा नेम देते हैं, लेट के बी द पॉइंट। सपोज कर लिया कि जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो पॉइंट के है। अब रेवोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको पहले से पता है, लाइक दिस इफ वी हैव टू एक्सेस दिस एक्स एंड वाई एंड वी हैव अ वेक्टर ए दिस एंड दिस वेक्टर ए मेक्स एन एंगल थीटा विद एनी वन एक्सेस एक्स और वाई। तो इस पर्टिकुलर में हम देख रहे हैं कि एक्स के साथ एंगल बना रखा है, तो अगर इसको हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है तो हमें क्या करना होता है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द हेड ऑफ द गिवन वेक्टर ऑन बोथ द एक्सेस, एक्स एक्सेस पे और वाई एक्सेस पे। तो इस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ द गिवन वेक्टर ए अलॉन्ग द एक्स एक्सेस दैट इज ए एक्स एंड दिस इज अलॉन्ग द वाई एक्सेस इज ए वाई। और इसकी वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं क्या थी, ए कॉस थीटा एंड फॉर ए वाई इट इज ए साइन थीटा। कैसे, ये ऑलरेडी आपको मालूम है, अगर हम ये ट्राइंगल यूज करेंगे ओ एंड इफ देयर इज अ पॉइंट, इसको अगर हम सी कर लेते हैं, इसको पी कर लेते हैं, इसको कोई और पॉइंट ले लेते हैं आर ले लेते हैं, तो ये ट्राइंगल ओ सी पी कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज दिस ए एक्स, हाइपोटेनियस इज ए, देन ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, सेम इन दिस ट्राइंगल दिस एंगल इज थीटा, सो हियर वी कैन यूज द साइन, sin theta equals to perpendicular upon hypotenuse and perpendicular is ay, hypotenuse is a, ay upon a is sin theta, that is ay equals to a sin theta। ये तो आप सोच रहे हो कि जल्दी जल्दी भी बता दिया कि ये प्रोसेस ऑलरेडी आपको क्लियर है, हम यहाँ यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने जस्ट रिमाइंड कराया। नाउ अब क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ में कैलकुलेट करना है। सिचुएशन अज्यूम करते हैं, अगर हम इस डाइपोल मोमेंट का दो कंपोनेंट फाइंड आउट करें रेक्टेंगुलर, यहां से देखिए इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में अगर इसका थीटा एंगल पर डाइपोल मोमेंट चाहिए तो कितना होगा, पी कॉस थीटा। और अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस डायरेक्शन में इसका डाइपोल मोमेंट कितना हुआ, पी साइन थीटा, बिकॉज पी का डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी, जैसे यहां पर लिया है हमने इस पॉइंट पे ले लिया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी डाइपोल मोमेंट एंड इट्स टू कंपोनेंट्स अलॉन्ग दिस एक्सिस एंड अलॉन्ग दिस एक्सिस, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, इसलिए इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हुआ वो कितना हुआ, पी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पी साइन थीटा। अब यहां पे इमेजिन करते हैं कि ये के पॉइंट एक्चुअल में है कहां पे, तो के पॉइंट कहां पे है, इस लाइन के डायरेक्शन में जहां डाइपोल मोमेंट पी कॉस थीटा है। तो हम ये सपोज कर सकते हैं कि एक ऐसा डाइपोल तैयार कर रहे हैं, अगर हम इस लाइन को ऐसे ज़ूम करें दिस, और दिस इज अ डाइपोल, अगर डाइपोल इस डायरेक्शन में हुआ तो इस डायरेक्शन में जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना है, पी कॉस थीटा। और अगर इसी के परपेंडिकुलर इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं ये, अगर यहां पे ऐसा डाइपोल होता कोई जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है, पी साइन थीटा, दो कंडीशन हमने अज्यूम की है एक। अब अगर हम ध्यान से देखें कि अगर यहां पे ये कोई डाइपोल है, सपोज कर लेते हैं जैसे ए डैश और यहाँ कहीं पे पॉइंट बी डैश, ये ऐसा कोई डाइपोल है, तो इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट कितना है, पी कॉस थीटा। और अगर इसी को हम यहाँ सिचुएशन ले लें, ए डबल डैश और बी डबल डैश, तो इस लाइन की ये वाली एक्सिस क्या है, बाइसेक्टर, और बाइसेक्टर इट मीन्स ये लाइन जो है इस वाले डाइपोल के कहाँ है, इक्वेटोरियल लाइन पर। और इस वाली लाइन के एक बार फिर से देखिए ध्यान से, डायग्राम थोड़ा सा क्रिटिकल है और बट बहुत इजी अंडरस्टैंड करने में। हमने क्या किया है कि इमेजिनेशन ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे, तो इमेजिनेशन, अब आप कहेंगे कि हर चीज़ में इमेजिनेशन, तो साइंस इज द सिंपली सब्जेक्ट ऑफ इमेजिनेशन, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, जैसे कि ये स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि साइंस में हम हर चीज़ स्टार्ट करते हैं सपोज दैट से, है ना, लेट अस कंसीडर, तो सब कुछ सपोज दैट है, तो बट ऐसा नहीं है, वी स्टार्टेड फ्रॉम द सपोज दैट बट वी कंक्लूड एट द वेरिफिकेशन,
दैट इज द हेंस प्रूफ। जब किसी क्वेश्चन में आप स्टार्ट करते हैं तो सपोज दैट लिखते हैं, लेकिन बाद में रिजल्ट जब आप लेके आते हैं तो क्या करते हैं, वो रिजल्ट वेरीफाइड होता है। तो हम स्टार्ट जरूर सपोज से करते हैं, लेकिन हमारा एंड सपोज पे नहीं होता, वो एक फिक्स वैल्यू होती है, वो एक पर्टिकुलर होता है। तो सपोज से स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर आप इमेजिन नहीं करेंगे तो कुछ फर्च ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी नेचर में है वो तो आप देख ही रहे हैं। कुछ भी नया इन्वेंट करने के लिए आपको ऑलवेज इमेजिनेशन में जाना पड़ता है। तो साइंस हमेशा से इमेजिनेशन का सब्जेक्ट है। जैसे मैं अगर आपसे डिस्कस करूं, क्या न्यूटन से पहले किसी ने ये नहीं देखा कि सेब अर्थ की तरफ गिरता है, ऊपर नहीं जाता है? बट किसी ने सोचा नहीं, न्यूटन ने सोचा, उसका रीजन सर्च करने की कोशिश की, इसलिए फाइनली उन्होंने ग्रेविटी सर्च की। सो देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन अस एंड साइंटिस्ट। हमें कोई भी फैसिलिटी मिलती है, हम उसका यूज करते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं कि है तो है ना, हमसे क्या। और साइंटिस्ट क्या होते हैं, उनका इमेजिनेशन हमसे हाई होता है। अगर आप भी उसी इमेजिनेशन पे जा सकते हैं तो यू बिकम अ साइंटिस्ट। और तो वो इमेजिन करते हैं, उसमें रीजन ढूंढते हैं। तो रिमेंबर वन थिंग, इफ यू आर द साइंस स्टूडेंट देन यू आर द स्पेसिफिक। आप स्पेसिफिक हैं, और स्पेसिफिक का मीन्स क्या है, आपको दूसरों से अलग करना है। समझ गया ना आप सिंपल से। टॉपिक पे वापस आ दें, अगर हम ये सपोज करें कि यहाँ पर एक ऐसा डाइपोल था ए डैश बी डैश, जिसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में कितना है, पी कॉस थीटा। तो इट मीन्स ये के पॉइंट कहाँ होगा, इस ए डैश बी डैश की एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन पे हो ना। और अगर हम दूसरी सिचुएशन सपोज करें कि अगर एक डाइपोल ए डबल डैश बी डबल डैश यहाँ पर है ऐसे, तो ये वाली लाइन, ये पॉइंट कहाँ पे है, इस वाले डाइपोल के ए डबल डैश बी डबल डैश की इक्वेटोरियल लाइन पे। तो इसका मतलब, और इस वाले का डाइपोल मोमेंट किधर है, पी साइन थीटा। तो इट मीन्स ये पॉइंट, एक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट पी कॉस थीटा है, उसकी एक्सियल पोजिशन पे है, और दूसरा डाइपोल ए डबल डैश जिसका डाइपोल मोमेंट पी साइन थीटा है, उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे है। तो हम इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं कैसे। थ्योरी आप वही यूज कर सकते हैं, लेट ए बी इज अ डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस टू ए एंड अ पॉइंट के इज सिचुएटेड इन द सराउंडिंग ऑफ अ डाइपोल हुज रेडियल लाइन दिस ओके मेक्स एन एंगल थीटा विद द डाइपोल मोमेंट पी। So the dipole moment along the OP is P cos theta and perpendicular to OK is P sin theta. So हम डायग्राम को यूटिलाइज करते हैं according to figure. Dipole moment of dipole AB along OK is P cos theta, hence the point K is on the axial line. Of dipole having dipole moment P cos theta. Now electric field due to this dipole at the point K is, थ्योरी बिल्कुल सेम, आप यही नोटिस कर सकते हैं। फिर से सुनिए मैंने क्या लिखा है, डाइपोल मोमेंट ऑफ ए डाइपोल ए बी अलोंग ओके इस लाइन के अलोंग इफ पी कॉस थीटा जो आपको दिख रहा है ओके के डायरेक्शन में कितना है, पी कॉस थीटा, एंड हेंस द पॉइंट के इज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट पी कॉस थीटा। इसका मतलब के पॉइंट एक उस डाइपोल की एक्सियल लाइन पे है जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है, पी कॉस थीटा। Now the electric field due to this dipole at the point K, इस dipole की वजह से K point पे electric field कितना होगा, वही जितना कि axial line पे होता है dipole का electric field।
तो इसको हम क्या सपोज कर लेते हैं, ई वन इज इक्वल्स टू फॉर्मूला इज वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यू, वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब आप कहेंगे कि हमने एक्सियल लाइन पे कैलकुलेट किया था तो फॉर्मूला आया था वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी अपॉन आर क्यूब, ये कॉस थीटा नहीं था। तो सिंपल है, फॉर्मूला होता क्या है, डायलेक्ट्रिकल कॉन्स्टेंट टू इंटू डाइपोल मोमेंट अपॉन क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, ये थ्योरेटिकल वे है। और जब उसको सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं तो सिंबल फॉर्म में आ जाता है। तो उस डाइपोल की सिचुएशन में डाइपोल मोमेंट वहां कितना था, पी, और यहां जो हम सिचुएशन अज्यूम कर रहे हैं उसकी एक्सियल लाइन पर डाइपोल मोमेंट कितना है, टू पी कॉस थीटा। तो यहाँ डाइपोल मोमेंट के प्लेस पे हमें पी कॉस थीटा प्लेस करना पड़ेगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब नाउ एंड द पॉइंट के इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट पी साइन थीटा, हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट के ड्यू टू दिस डाइपोल इज ई टू, इसको हम ई टू सपोज कर लेते हैं। अब क्या नोटिस किया मैंने, एंड द पॉइंट के इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट पी साइन थीटा, हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट के ड्यू टू दिस डाइपोल इज ई टू, ये मैंने सपोज किया है। यहां इस वाले डाइपोल की वेव की एक्सेस पे था तो एक्सियल वाला फॉर्मूला ले लिया ई वन, और ये इस वाले डाइपोल ए डैश बी डैश मीन जिसका डाइपोल मोमेंट पी साइन थीटा है उसकी किस लाइन पे है, इक्वेटोरियल लाइन पे। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला, देन ई टू इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और इक्वेटोरियल पे क्या था, जस्ट हाफ ऑफ दिस, क्या था एक्सियल लाइन पे फॉर्मूला आया था वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी अपॉन आर क्यू, और इक्वेटोरियल पे वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट P upon R cube means only dipole moment divided by the cube of the distance of observation point from the center of dipole. तो यहाँ क्या होगा, 1 upon 4 pi epsilon naught is a constant, P sin theta is a dipole moment upon R cube. This is the electric field due to E1 and E2. अब E1 E2 पे अगर हम direction बनाएंगे तो किधर होंगे, E1 तो उसी direction में होगा जिधर डाइपोल मोमेंट होता है, जैसे स्ट्रेट पोजिशन है, अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेते तो ये इसका फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आता है, आउटवर्ड, ठीक है, अलोंग द ग्रेटर, तो ई वन का डायरेक्शन तो यही होगा बस ई वन। बट ई टू किधर होता था, ई टू होता था अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, एंटी पैरेलल टू द, तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर है तो ई टू किधर होगा, इधर, दिस इज ई टू। मैं अलग से डायग्राम में आपको शो करता हूँ रफली, जब हम एक्सियल लाइन अज्यूम करते हैं तो ये डाइपोल ए बी और यहाँ पे ये पॉइंट पी, और यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया हमने तो वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आया जो फाइनल आया, जिसकी वैल्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी अपॉन आर क्यूब थी। और जब हमने बाईसेक्टर लाइन पे लिया पॉइंट ए तो डाइपोल मोमेंट किधर है, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया था, इधर, एंटी पैरेलल टू, नोटिस ही कराया मैंने, तो उसी चीज को यहां पर ध्यान रखना है। तो नाउ E2 इज इन दिस डायरेक्शन, नाउ E1 एंड E2, तो वी कैन सी हियर E1 एंड E2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और परपेंडिकुलर में जब हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करेंगे तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर रिजल्टेंट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन अदर वर्ड्स अगर हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करते हैं तो क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और हेयर थीटा इज 90 एंड कॉस 90 हैज द वैल्यू जीरो, तो जो लास्ट टर्म है
टू ए वी कॉस थीटा तो रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर रीजन लिखता हूँ, बिकॉज ई वन इज परपेंडिकुलर टू ई टू, आपस में परपेंडिकुलर है तो इनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी, हेंस रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज ई इक्वल्स टू अंडर रूट ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर। चाहे तो अगर हम आगे ऐड करें तो टू ई वन प्लस प्लस टू ई वन ई टू कॉस थीटा कॉस 90 है, तो वो टर्म जीरो हो जाएगा। अब ये वैल्यू हमें यहाँ प्लेस कर देनी है ई वन की और ई टू की, वो शायद यहाँ पे क्लियर ना आए तो मैं यहाँ पे नोटिस करता हूँ इस डायग्राम को थोड़ा सा शॉर्ट करके। ई इज इक्वल्स टू, यहाँ वैल्यू देखिए, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यू स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी साइन थीटा अपॉन आर क्यू होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वी हैव दिस टर्म कॉमन, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू होल ऑफ स्क्वायर इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स, रिमेनिंग टर्म इज फोर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये टर्म मिला है। अब ये होल स्क्वायर है, आउटसाइड द रूट आ जाएगा, दिस इज वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू, और यहां देखिए ये टर्म है थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं ऐसे नोटिस कर सकते हैं, थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमें चाहिए इसको ब्रेक कर लिया, फोर कॉस स्क्वायर थीटा को थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया, फोर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ ऑलरेडी था, और ये आई थिंक सारे लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। तो मीन दिस टर्म कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बिकम वन, तो इन ब्रैकेट अंडर रूट क्या मिलेगा हमें, थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन। देन द फाइनल फॉर्मूला इज वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू अंडर रूट थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट इन द सराउंडिंग ऑफ द डाइपोल। आप इस डेरिवेशन को चाहे एवरेटिव ऐसे ही नोटिस कर सकते हैं स्क्रीन पॉज करके, ठीक है, मुझे इसे रब करना पड़ेगा आगे की कंडीशन आपको बताने के लिए, तो मैं ये थ्योरेटिकल पार्ट है इसको रब कर रहा हूँ, आप इसको स्क्रीन पॉज करिए और नोटिस कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट उस फॉर्मूले को मैं दोबारा लिख रहा हूँ कंडीशन से, फाइनली इट इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू अंडर रूट थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। अब यार कंडीशन देखते हैं, इसी फॉर्मूले से हम एक्सियल वाला फॉर्मूला वापस ला सकते हैं और इक्वेटोरियल वाला भी ला सकते हैं, लेकिन कंडीशन लेकिन इससे पहले मैं डायरेक्शन बता दूं, इफ ई वन मेक्स एन एंगल, यहां पे अगर आप लॉ पैरोग्राफ लगाएंगे तो इनका रिजल्टेंट ये कहीं होगा ई, और ये लॉ पैरोग्राम हो गया आपका। ई वन के साथ अगर इसका एंगल हम बीटा सपोज कर लेते हैं, बीटा, इफ ई वन मेक्स एन एंगल बीटा विद रिजल्टेंट, इन अदर वर्ड्स इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल बीटा विद ईवन, या तो हम ये कह रहे हैं कि ईवन जो है रिजल्टेंट के साथ बीटा एंगल बना रहा है या रिजल्टेंट ईवन के साथ बीटा एंगल बना रहा है, की बात है। तो देन टेन बीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन दिस, अगर इस एंगल की हम बात करें तो टेन बीटा परपेंडिकुलर इज दिस एंड अपॉन बेस, इट इज ई टू अपॉन ई वन, ई टू इस डायरेक्शन में,
even f direction. So this is e2 upon e1, and value of e2 आपको पता है क्या है, 1 upon 4 pi epsilon naught p sin theta upon r cube divided by 1 upon 4 pi epsilon naught 2 p cos theta upon r cube. This term is cancelled, this term is cancelled, this p is also cancelled, r cube is cancelled, remaining term is 1 upon 2 sin theta upon cos theta. आप सभी पता है sin theta upon cos theta क्या होता है, tan theta, that is tan beta equals to 1 upon 2 tan theta, and now beta equals to tan inverse 1 by 2 tan theta. This is the angle made by the resultant with E1. आप E2 भी ले सकते थे, E1 upon E2 हो जाता, अरे E2 लिया है तो E1 upon E2 हो गया. सिंपल है, लॉ पैलोग्राम अंडरस्टैंड किया है तो रीड किया है तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. नाउ अब यहाँ कंडीशंस यूज करते हैं. क्या क्या कंडीशंस हैं, नाउ द कंडीशन है के फर्स्ट इफ थीटा इज इक्वल्स टू जीरो डिग्री, थीटा एंगल को अगर हम जीरो कर लें तो ये थीटा इसको ऐसे नहीं चलाइए लाइन को, थीटा जब जीरो होगा तो ये पॉइंट के कहाँ आ जाएगा, यहाँ. तो जो डायपोल हमने सपोज किया है उसकी एक्चुअल एक्सियल पोजीशन पे ये पॉइंट आ जाएगा. थीटा को जैसे जीरो पुट करेंगे तो ये लाइन ऐसे आ जाएगी नीचे. तो थीटा इक्वल्स टू जीरो द पॉइंट के विल बी ऑन एक्सियल लाइन, ये कहां पे आ जाएगा, एक्सियल लाइन पे. और फॉर्मूला क्या होगा, ई का स्क्वायर है, जो फॉर्मूला था दस, थीटा को आप जैसे ही पुट करेंगे जीरो तो क्या होगा, थ्री कॉस जीरो, कॉस जीरो मीन्स वन, थ्री प्लस वन तो इनसाइड द रूट कितना होगा, फोर, और फोर का स्क्वायर रूट टू, तो टू आ जाएगा. इस पूरे को सॉल्व करके तुम्हें मिल जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी अपॉन आर क्यूब. दिस इज द सेम फॉर्मूला एज वी हैव द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सियल लाइन. तो एक्सियल लाइन इसी फॉर्मूले से आ रही है. अब सेकंड कंडीशन के सेकंड, इफ थीटा इज 90 डिग्री, हम इसको सपोज कर लें थीटा 90, इसको लाइन को ऐसे स्ट्रेट करके लाना होगा. तो यहां पर आके जब ये लाइन ऐसी होगी तो ये एंगल 90 हो जाएगा. 90 का मतलब ये रियल डायपोल के इक्वेटर पे आ जाएगा. तो यहाँ रियल वाले का इक्वेटर का फॉर्मूला आ जाना चाहिए, मीन्स द पॉइंट के विल बी ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ये इक्वेटोरियल लाइन पे होगा. और जैसे ही इक्वेटोरियल लाइन पे होगा तो कॉस 90 इज जीरो, देन दिस टर्म बिकम जीरो, ओनली वन इज रिमेनिंग, और स्क्वायर रूट ऑफ वन इज ऑल्सो वन. The formula is remaining this 1 upon 4 pi epsilon naught p upon r cube, that is e equals to 1 upon 4 pi epsilon naught p upon r cube. This is the same formula as the formula of dipole on its equatorial line. So यहां तक ये आप पहले वाली conditions note करिए और उसके बाद यहां तक. This is the last form of the derivation. अब मैं आपको एक खुशखबरी देता हूं. Although this formula is not directly covered in the CBSE syllabus, but this formula can help you in the questions or numericals and also in the competitive exams. So this formula is very useful. So you have to read it, you have to prepare it. Syllabus में ना होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है, इसको आपको seriously understand नहीं करना है या पढ़ना नहीं है. Next class में हम next topic के साथ discuss करेंगे. और अभी से पढ़ लीजिएगा, जितना आप पढ़ के रखेंगे उतना इजीली आपको समझ में आएगा. नेक्स्ट क्लास का टॉपिक मैं अभी से आपको बता देता हूँ. नेक्स्ट अभी टॉपिक हमारा कंटिन्यू डाइपोल ही चल रहा है, और जब मैंने डाइपोल स्टार्ट किया था आपको बोला था इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, इट कैन गिव यू 1 to 5 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, 1 से लेकर 5 नंबर तक आपको दे सकता है. तो टॉपिक बहुत सीरियसली और अच्छे से प्रिपेयर करना है और सीक्वेंस को मेंटेन रखना है. तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे the torque on the electric dipole when it is placed in the uniform electric field. जब किसी dipole को हम किसी electric field में रखते हैं तो उस पर टॉर्क
कितना और कैसे अप्लाई होता है, देयर इज द नेक्स्ट टॉपिक। पता पहले से इसलिए रहा हूँ कि आप उसको अगर बुक से रीड करके रखेंगे तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द टॉपिक। द सेल्फ स्टडी इज द बेटर ऑप्शन। सो टीचर आपको कतरा भी बताए, आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है। सो हैव अ गुड डे एंड नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।